जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं आप मन के मोर मयारु ब्लॉग यूट्यूबर शिवम सिंह हूँ। आज मैं आप मन ला कृष्ण पुषाम शाला विकास समिति के अध्यक्ष और महेश चंद्रवंशी जी के द्वारा हमार पूरा कॉलेज ला आज अमरकंटक घुमाए बर लेके जात है। तो आओ आप सब ला मैं अमरकंटक धाम के पूरा रास्ता के मैं ब्लॉग बना के दिखाऊँ। तो बने रहो मोर यूट्यूब चैनल में। अभी हम रास्ते चलते हुए कार में निकले हैं। अभी हम हनुमत खोल पहुँचे हैं। बहुत ही सुंदर जगह, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है जगह। हनुमान जी के मंदिर यहाँ विराजमान है। ऊपर से बहुत ही सुंदर गंगा मैया के धारा भी प्रवाहित होते पत्थर के द्वारा। ऊपर में पुराना मंदिर हरे, अभी नीचे में नवा मंदिर बनवाए गई से। और देख सकते तो आज कांवड़िया के भी भीड़ हवा यहाँ पे। ये हमारे हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी की सुंदर मूर्ति, एक कांवड़िया भाई मन के उखर सुंदर कलश देख सकत है। विश्राम करे वो कितना अच्छे से सजा के यहाँ मढ़ाए हमें। ये हमारे कॉलेज के ऑल गर्ल्स, अरे देख सकत हो प्राकृतिक इतना सुंदर नज़ारा। सावन के पर्व बहुत ज़्यादा यहाँ बोलबम वाले के रोड में भीड़ रहते। बहुत ही अच्छा जगह है ये हनुमत खोल। आप मन भी आओ यहाँ घूमे ला, बहुत अच्छे लगी, बहुत ही आनंद आई ये जगह में। होटल वोटल सब हवा व्यवस्था बताते तो सही का। संगवारी हो, यहाँ से अब हम आगे निकल गए हैं अपन कार में बैठ के सीधा अमरकंटक यात्रा में। प्राकृतिक सौंदर्य पूरे शुरू से अंत तक कहे जाए यहाँ अमरकंटक जावे तो पड़ते। बहुत ही अच्छा जगह है, प्रकृति से परिपूर्ण है। बहुत अच्छा लगी ठंड के मौसम, बरसात के मौसम में हरा भरा जेती देखो तेती, खेत खार भी हरा भरा, बहुत ही अच्छा लगती है। दया नहीं लागे
संगवारी हो, आप मन के इंतजार के घड़ी हो इस खत्म। अब हम पहुंच गए माँ नर्मदा मैया के घाट, माँ नर्मदा मैया के धाम देख सकता था। माँ नर्मदा मैया के विकराल रूप, बहुत ही सुंदर नज़ारा माँ नर्मदा मैया के। संगवारी हो, जुड़े रहो मेरे चैनल में। आप मन धीरे धीरे करके माँ नर्मदा मैया के पूरा ब्लॉग बना के दिखाऊँ मैं। ते कौन हम खड़े खड़े का सोचत हस? सुशीला सोचत हो ये ब्याह झर जाही ता तहु चल देबे ना। हां का पर सुशीला, ये हमर चार दिन के मेलजोल मा मुरिया भागा मन जिंदगी भर के सपना संजो डारे रही। सुशीला औ कालिए ब्याह झर जाही तांते अपन घर चल देते तो मोरे सपना की का हो ही सुशीला, का हो ही मोरे सपना। बुंदेला काली अभी बहुत दूर है, फिर देखना बिहाव अभी झरे तो नहीं है ना। पानी रे पिए पियत भर ले, माँ नर्मदा मैया उद्गम के पहले ही देख सका था। रास्ता में चारों तरफ दुकान ही दुकान भराए हुए है, बहुत ही अच्छा दुकान यह, हर सामान हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध हवे। ये देख सका था माँ नर्मदा उद्गम मंदिर, माँ नर्मदा मैया के पवित्र धाम मंदिर प्रांगण देख सका था। चारों तरफ भीड़ ही भीड़, माँ नर्मदा मैया के धाम इतना सुंदर पवित्र मंदिर है। हर कोई मनोकामना, जो भी मनोकामना लेके आवे यहाँ, हर मनोकामना पूरा होता है माँ के दरबार में। आओ आप सब दर्शन करेला माँ नर्मदा मैया के, बहुत ही अच्छा लगते हैं यहाँ अभी तो। हरा भरा चारों तरफ हरियाली, भीड़ भाड़ देख सकते हो। माँ नर्मदा मैया के बाहर के गेट कितना सुंदर बने हुए है। आओ आप लोग मैं अंदर भी ले जाता हूँ माँ के प्रांगण में। देख सको चारों तरफ मंदिर, माता जी के, भगवान भोलेनाथ के, चारों तरफ मंदिर ही मंदिर। देख सको तो कितना भीड़ है यहाँ। सावन के मौसम ऐसे है जहाँ हर एक दिन त्यौहार के बरोबर माँ नर्मदा मैया के धाम में यहाँ पूजा करे बर लाइन लगाए ला पड़ते, इतना ज़्यादा भीड़। आज भी देख सकते हो कितना भीड़ है, भगवान जी के दर्शन करे बर देखो कितना लंबा लाइन लगे हुए है यहाँ। संगवारी हो, आप मन के इंतजार की घड़ी हुई खत्म। अब देख सकता था माँ के दरबार के सामने ही भगवान सूर्य देव के साक्षात प्रतिमा विराजमान है। बगल में ही भगवान भोलेनाथ जी के मूर्ति, साक्षात जीवंत मूर्ति यहाँ विराजमान है। देख सको कितना सुंदर भगवान भोलेनाथ जी के मूर्ति, हर मंदिर में हर भगवान के मूर्ति
ये देख सकत हो माँ नर्मदा मैया के साक्षात प्रतिमा विराजमान माता जी के। नर्मदा मैया बहुत ही सुंदर प्रतिमा माँ नर्मदा जी के। प्रेम से बोले नर्मदा मैया की जय। आओ संगवारी हो, आप मन भी दर्शन कर लो माँ नर्मदा मैया के। माँ नर्मदा मैया के बगल में ही माँ गंगा मैया भी साक्षात विराजमान है। देख सकत माँ गंगा मैया अपन मेघरा माँ पीछे खड़े हुए है। माँ गंगा मैया नर्मदा मैया चारों ओर गंगा जी विराजमान है। ये देख सकत हो भगवान रामचंद्र जी। अब देख संगवारी हो, अब हम पहुंच गए अपन खाना खाए बर। ये देख सकत हो कॉलेज के पूरा लड़का मन कैसे बैठे हुए लाइन से खाना खाए बर। खाना खाए के जस्ट बाद ही अब हम निकल बो यहाँ ले। ये देख सकत हो अब हम पहुंच गए हैं सोनभद्र मंदिर जाए बर। ये सीढ़िया वहाँ के नीचे उतरत हन सोनभद्र जी के मंदिर बर। आग मोर आगे आगे देख सकत हो कॉलेज के सब लड़की मन जात हैं। सोनभद्र जी के चारों तरफ हरियाली छाए हुए है। देख सकत हो पेड़ ही पेड़। यह बंदर बहुत ज़्यादा यहाँ हवे, थोड़ा देख के आह जाओ काबर की छीना झपटी भी कर देते हैं, खरोज भी लगा देते हैं। वीडियो आते भैया, बढ़ा जाओ बढ़ा जाओ। वीडियो आप डाली ना देखो तो। सोनभद्र से आगे बढ़ते हुए रास्ता में ही माँ की बगिया भी पड़ते, पर वहाँ नहीं जाथन काबर की टाइम भी नहीं है। अब हम सीधा पहुँच गए हैं जैन मंदिर, जैन तीर्थ। बहुत ही सुंदर नज़ारा है वह यहाँ के। जैन यही मैंने वीडियो बनाती संगवारी हो, अच्छा खासा वीडियो तो नहीं बना पाया, फिर भी वीडियो आप मन लग कैसे लगी इस कमेंट करके ज़रूर बताओ। और मोर वीडियो पसंद आए हो ही तो
मोरे मयारू ब्लॉग यूट्यूब चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ला घलो दबा दे ताकि मोर नव नव वीडियो आप तक मिलता रहे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।